वेलकम टू माय चैनल कविता का आनंद। दोस्तों, भोजपुरी लैंग्वेज सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आपको जो है भोजपुरी लैंग्वेज की वीडियो मिलेगी और आप जो है भोजपुरी लैंग्वेज बोलना सीख सकेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज मुझे एक अच्छे बेकरी में जाना है, आज हमरा के एगो नीमन बेकरी में जाए के बा। आज को बोलते हैं आज, मुझे को बोलते हैं हमरा के, एक को बोलते हैं एगो। अच्छे मतलब होता है नीमन, बेकरी मतलब बेकरी, में मतलब में हो जाएगा, जाना है जाए के बा। जाना को बोलते हैं जाए के, है मतलब बा। आज हमरा के एगो नीमन बेकरी में जाए के बा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, तभी आपको जो है कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। कुछ विशेष है क्या, कुछ हो खास बा का। कुछ को बोलते हैं कुछ हो, विशेष को बोलते हैं खास, है मतलब बा। क्या को बोलते हैं का, कुछ विशेष है क्या, कुछ हो खास बा का। परसों हमारे बेटे का जन्मदिन है, परसोइया हमारा बेटौआ के जन्मदिन बा। परसों को बोलते हैं परसोइया, हमारे को बोलते हैं हमारा, बेटे का बेटौआ के, जन्म को बोलते हैं जन्म, दिन है दिन बा। परसों हमारे बेटे का जन्मदिन है, परसोइया हमारा बेटौआ के जन्मदिन बा। भोजपुरी लैंग्वेज बहुत ईजी लैंग्वेज है, यदि आप थोड़ा सा भी ट्राई करेंगे सीखने का तो आपको कम समय लगेगा सीखने में। उस गली में एक बेकरी है, हो गलिया में या गली में एगो या एक ठो बेकरी बा। उसको बोलते हैं हो, गली में गलिया में, या इसको गली में भी कह सकते हैं, एक को एगो कह सकते हैं या इसको या एक ठो भी कहेंगे, ठीक है। बेकरी है बेकरी बा, हो गलिया में एक ठो बेकरी बा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या हो गली में एगो बेकरी बा, दोनों प्रकार से आप जो है बेहिचक बोल सकते हैं। वह नाना बाई ताज़ा रोटियां बेचता है, उ नाना बाई ताजे रोटी बेचेला। वह को बोलते हैं उ, नाना बाई, नाना बाई नाम वही रहेगा, ताजा को बोलते हैं ताजे, रोटियां को बोलते हैं रोटी, बेचेला मतलब बेचता है। वह नाना बाई ताज़ा रोटियां बेचता है, उ नाना बाई ताजे रोटी बेचेला, या रोटी को रोटिया भी कह सकते हैं, दोनों सही है, रोटी या रोटिया। ठीक है उसके पास जाएंगे, ठीक है बा उनके लगे या उनके लगवा जाइब। ठीक है, ठीक है बा, उसके पास उनके लगे या उनके लगवा, दोनों प्रकार से यहाँ भी बोल सकते हैं आप, जाएंगे जाइब। ठीक है उसके पास जाएंगे, ठीक है बा उनके लगे जाइब या उनके लगवा जाइब, दोनों प्रकार से बेहिचक बोल सकते हैं। भाई साहब आप एक बर्थडे केक का आर्डर ले सकते हैं क्या, भैया रौरे एगो बर्थडे केक का आर्डर ले सकेली का। भाई साहब को भैया भी कह सकते हैं या भाई साहेब भी कह सकते हैं, आपको बोलेंगे रौरे, एक को बोलते हैं एगो। बर्थडे केक का मतलब होता है बर्थडे केक के, ऑर्डर मतलब आर्डर, ले सकते हैं क्या, ले सकेली का, सकते हैं मतलब सकेली, क्या मतलब होता है का, भैया रौरे एगो बर्थडे केक का आर्डर ले सकेली का। कैसा चाहिए केक साहब, कैसन चाही केक साहेब। कैसा को बोलते हैं कैसन, चाहिए को बोलेंगे चाही, केक को केक बोलेंगे, साहब को साहेब। कैसा चाहिए केक साहब, कैसन चाही केक साहेब। आपके यहाँ किस प्रकार के केक मिलते हैं, रौरे यहाँ कौने तरहवा के केक मिलेला। आपके यहाँ मतलब होता है रौरे यहाँ, किस प्रकार के, कौने तरहवा के, केक मतलब केक, मिलते हैं मिलेला। आपके यहाँ किस प्रकार के केक मिलते हैं, रौरे यहाँ कौने तरहवा के केक मिलेला। सादा केक, बटर केक, स्पेशल केक, अंडा केक, बिना अंडा वाले केक, सभी मिलते हैं हमारे पास। सादा केक को सादा केक कहेंगे, बटर केक को बटर केक कहेंगे, स्पेशल केक को स्पेशल केक कहेंगे, अंडा केक को अंडा केक कहेंगे, बिना अंडा वाले केक मतलब बिना अंडा वाला केक, सभी मिलते हैं। सगरी मिलेला, हमारे पास मतलब होता है हमारा लगे, ठीक है। सादा केक, बटर केक, स्पेशल केक, अंडा केक, बिना अंडा वाले केक, सभी मिलते हैं हमारे पास। सादा केक, बटर केक, स्पेशल केक, अंडा केक, बिना अंडा वाला केक, सगरी मिलेला हमरा लगे। केक के ऑर्डर के लिए एडवांस दीजिए, केक के ऑर्डर खातिन एडवांस दिहल जा। केक के ऑर्डर के लिए, केक के ऑर्डर खातिन, एडवांस मतलब होता है एडवांस, दीजिए को बोलेंगे दिहल जा। केक के ऑर्डर के लिए एडवांस दीजिए, केक के ऑर्डर खातिन एडवांस दिहल जा। केक के ऊपर क्या लिखना है यह भी बताइए, केक के ऊपर का लिखे के बा इहो बतावा। केक के ऊपर क्या लिखना है, केक के ऊपर का लिखे के बा
केक के ऊपर, केक के ऊपर आ, क्या को बोलते हैं का, लिखना है लिखे के बा। यह भी बताइए, यह भी को हम बोलते हैं ई हो। बताइए को बोलेंगे बतावा। केक के ऊपर आ का लिखे के बा ई हो बतावा। मुझे एक जैम के सीसी और एक दर्जन अंडे दीजिए। हमरा के एगो जैम सीसी और एक दर्जन अंडे दिहल जा। मुझे मतलब होता है हमरा के, एक मतलब एगो, जैम के जैम के या जैम बोल सकते हैं, सीसी मतलब सीसी और मतलब औरी, एक दर्जन अंडे दीजिए। एक दर्जन अंडे दीहल जा, दीजिए को बोलेंगे दीहल जा। आप मुझे कल जो कुछ दिया वे चीज़ें ताज़ा नहीं थी। रौरी हमरा के कलियाँ जवन कुछ दिहनी उ चीजुआ ताजे या ताज़ा नाई रहल। आप मतलब होता है रौरे, मुझे मतलब होता है हमरा के, कल मतलब बोलते हैं कलियाँ, जो मतलब जवन, कुछ मतलब कुछ हो, दिया दिहनी, वे मतलब ओ चीज़ें चीजुआ, ताज़ा मतलब ताजे या ताज़ा भी बोल सकते हैं, नहीं थी नाई रहल। आप मुझे कल जो कुछ दिया वे चीज़ें ताज़ा नहीं थी। रौरी हमरा के कलियाँ जवन कुछ हो दिहनी उ चीजुआ ताजे नाई रहल। यह बात मैं नहीं मानता, ई बात हम नाई माने ली। यह बात ई बात मैं को बोलते हैं हम, नहीं मानता नाई माने ली, नहीं को नाई, मानता मतलब माने ली। यह बात मैं नहीं मानता, ई बात हम नाई माने ली। मैं सच बोल रहा हूँ, हम साँच या सही बोलत हैं या बानी। मैं मतलब होता है हम, सच को बोलते हैं साँच या सही भी बोल सकते हैं। बोल रहा हूँ बोलत हैं या बानी, हैं या बानी दोनों टाइप से आप बोल सकते हैं। जैसे मैं सच बोल रहा हूँ, हम साँच बोलत हैं या हम सही बोलत बानी। हम कभी भी खराब चीज़ें नहीं रखते हैं, हम कब्बो खराब चीजुआ ना रखे लें। हम कभी भी खराब चीज़ें नहीं रखते हैं, हम मतलब होता है हम, कभी भी को बोलते हैं कब्बो, खराब को बोलेंगे खराब, चीज़ें मतलब चीजुआ नहीं रखते हैं ना रखे लें। हम कभी भी खराब चीज़ें नहीं रखते हैं, हम कब्बो खराब चीजुआ ना रखे लें। मैं ला कर के दिखाऊँ क्या, हम ले आई के दिखलाई क्या। मैं मतलब हम, ला कर के मतलब होता है ले आई के, दिखाऊँ क्या दिखलाई का, दिखाऊँ को बोलेंगे दिखलाई, क्या को बोलते हैं का। मैं ला करके दिखाऊँ क्या, हम ले आई के दिखलाई का। नाराज मत हो साहब, रिसिया ने साहेब। नाराज को बोलते हैं रिस, ठीक है, यहाँ पर जो है यूज करेंगे रिसिया। मत हो मतलब ने मतलब होता है मत हो, साहब मतलब साहेब। नाराज मत हो साहब, रिसिया ने साहेब। कैसा भी हो, एक बार कितनी भी अच्छी चीज़ है तो भी खराब हो जाती है साहब। कैसनो होखे, एक बेरी कितनो नीमन चीज़ बात है खराब हो जाला साहेब। कैसा भी हो इसको हम बोलेंगे कैसनो होखे, एक बार एक बेरी कितनी भी कितनो, अच्छी मतलब नीमन चीज़ है तो चीज़ बात है खराब हो जाती है, खराब हो जाला साहब मतलब साहेब। कैसा भी हो, एक बार कितनी भी अच्छी चीज़ है तो भी खराब हो जाती है साहब। कैसनो होखे, एक बेरी कितनो नीमन चीज़ बात है खराब हो जाला साहेब। वीडियो को अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएँ। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।